बहुत ओछी टिप्पणी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, चाहे स्मृति ईरानी हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हो। इसी तरह की टिप्पणी गुरदास कामत ने की है और इसका संज्ञान एनसीडब्ल्यू ने भी लिया है और देश की जनता ने भी लिया है। इसी तरह की टिप्पणी जयराम रमेश ने की थी दुष्यंत सिंह के बारे में, तो उन्होंने 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा इन पर ठोका है। कांग्रेस के लोग इतने विचलित हो गए हैं कि वो वाणी संयम खो रहे हैं। जितनी राजनीति में मर्यादा बनी थी, ये क्या हो गया है कांग्रेस को? नेहरू गांधी की विरासत की बात करने वाली कांग्रेस आज गाली गलौज पर, ओछी टिप्पणी पर उतर आ गई है। इसका जवाब देश की जनता उनको लोकसभा के चुनाव में दी है और जहां जहां चुनाव हो रहा है हार पे हार हो रही है उनकी, लेकिन वो संभलने को तैयार नहीं है। तो लोकतंत्र में तो इन सब चीजों का जवाब जनता देती है और उसका जवाब उनको मिलेगा।